तो दोस्तों, क्या आपको हाइजेनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पता है? जी। या फिर आपको T+1 सेटलमेंट के बारे में पता है? या फिर आपको गूगल के एक सबसे बड़े चेंज के बारे में पता है? मतलब और जो न्यूज है ना, वो अपन को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन ये जो न्यूज है ना, ये आपकी लाइफ को इस तरह इम्पैक्ट करेगी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष जैन एंड आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय। फिर से स्वागत है हफ्ते की चर्चा के सेकंड एपिसोड में, जिसके अंदर अपन पूरे वीक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो डिस्कस करते हैं, जो कि अपन को एज ए 22-23 ईयर्स ओल्ड पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, बट एक क्रिस्प नॉलेज जो होती है वो होनी चाहिए अपन को न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट के सेक्शन में सबसे पहले कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर जो हाइजेनबर्ग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है, जी हाँ, मुझे पता है उसका नाम हाइजेनबर्ग नहीं है, हिंडनबर्ग है। हाइजेनबर्ग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग बैड के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो हाइजेनबर्ग होता है, जो एक एम्पायर होता है ड्रग्स का, कार्टेल का, वो पूरा आके उस एम्पायर को खत्म करके उसके जगह खुद आ जाता है। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही किया है हाइजेनबर्ग ग्रुप ने अदानी की लाइफ के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले जो 3-4 दिनों के अंदर अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनकी जो पिटाई हुई है, मतलब जो जितने भी, मतलब मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आती कि जब सब लोग इंडिया के, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो ढंग के और जितने भी ढंग के लोगों को जानते हो, सब लोग जब बोल रहे थे कि अदानी ग्रुप ओवर वैल्यूड है, अदानी ग्रुप पे मत लगाओ, अदानी ग्रुप के अंदर सुचेता दलाल ने बीच में एक ट्वीट करी थी, सबको वॉर्न किया था कि केतन पारेख इन्वॉल्व हो सकता है, बट स्टिल अपन लोग जो है मतलब नहीं मान रहे थे। लेकिन एक फॉरेन एंटिटी जिसने आके एक रिपोर्ट पब्लिश करी और अपन लोग इतने ज्यादा उसके अंदर, मतलब उसका रिएक्शन आया मार्केट के अंदर। खैर, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, और मैं सरप्राइज नहीं हूँ 2 दिन बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आके या फिर कुछ होके वापस से स्टॉक्स बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा बबल है जो आज नहीं तो कल फटना ही है, मतलब देखते हैं कब तक चल पाता है, जब तक मोदी है तब तक मुमकिन है। मैं मतलब मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, बट इससे वो दोनों को रिलेट करके देखा जाता है। तो सेकंड न्यूज जो आ रही है वो है T1 सेटलमेंट से रिलेटेड। जो स्टॉक मार्केट से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं है, जो इतना ज्यादा करते नहीं, उनको नहीं पता होगा। नॉर्मली क्या रहता है कि T+2 डेज का सेटलमेंट रहता है स्टॉक मार्केट में। अगर मैंने आज ट्रांजेक्शन करी तो मेरे को 2 दिन बाद उसके शेयर्स क्रेडिट होते हैं। मतलब आप बोलोगे नहीं यार, डीमैट में तो हैंड टू हैंड शो करने लग जाते हैं, बोले नहीं, वो आपको दिखाता है, बाकी ऑफिशियली आपके डीमैट अकाउंट में वो 2 दिन बाद क्रेडिट होते हैं। तो अब जो है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, मतलब फर्स्ट तो नहीं है, ऑलरेडी चाइना कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है मतलब नंबर 1 कंट्री हो चुका है इस चीज को अप्लाई करने में और एफिशिएंटली अप्लाई करने में। तो मतलब ये काफी गर्व की बात है कि दुनिया के जितने भी स्टॉक मार्केट है वो सब अभी भी T+2 पे चल रहे हैं और हम T+1 पे शिफ्ट हो चुके हैं। 27 जनवरी को इसमें मेजर शिफ्ट हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि T+1 डे साइकिल क्या है, T+2 क्या है। इससे जो है एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, अब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन जल्दी सेटल होंगी। जो आपके फंड्स आप विड्रॉ करना चाहते थे तो आपको 3-4 दिन 5 दिन लग जाते थे, वो उसका टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट है जियोपॉलिटिक्स। इसके अंदर जो 2 सबसे मेजर न्यूज निकल के आ रही है, इसके अंदर सबसे पहली इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग जो है इंडिया वाले वो अपनी 3-4 रिवर का पानी जो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे। लेकिन अब क्या है कि मतलब 1962 वॉर हो गई, 71 वॉर हो गई, 99 के अंदर वॉर हो गई, बट स्टिल अपन ने उस ट्रीटी को कभी मिसयूज नहीं किया। मतलब मिसयूज इन द सेंस, मतलब मिसयूज इज अ रॉन्ग वर्ड, अपन ने कभी उस चीज का फायदा नहीं उठाया कि मतलब अपन चाहते हैं तो एक बार अगर अपन बोल देते किसी भी वॉर के दौरान कि हम आपका पानी बंद कर रहे हैं, तो 100% पाकिस्तान पीछे हट जाता, बट स्टिल कभी इंडिया ने इस चीज का गलत फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब जब पाकिस्तान इस ट्रीटी के काफी सारे वायोलेशंस ऑलरेडी कर चुका है, तो फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया कि 3 महीने के अंदर आप जवाब दो, कुछ आंसर वगैरह करो कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इस ट्रीटी को सही से करने की, नहीं तो फिर अब इंडिया जो है इस ट्रीटी के अंदर यूनिलैटरली चेंजेस कर देगा। और ट्रस्ट में, पाकिस्तान इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकता अगर इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि चेंज करना है, क्योंकि आपको पता ही है अपने मोटा भाई और मोदी भाई अगर बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ सोच लिया तो फिर सोच ली। तो दोस्तों, नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर जो मेरा रहता है, जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग कवर करना, वो है टेक न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर सबसे मेजर डेवलपमेंट आ रही है, मतलब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये ऐसी डेवलपमेंट है जो डायरेक्टली 800-900 मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब नॉर्मली स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा आपको अफेक्ट ना करे, मे बी और कुछ ना करे, बट ये जो न्यूज है वो डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगी। गूगल की जो CCI के, गूगल और CCI के बीच में बेसिकली एक केस चल रहा था, जिसके अंदर CCI ने गूगल पे फाइन वगैरह लगाए थे, प्लस कुछ चेंजेस करने को कहे थे। फाइनली गूगल ने वो चेंजेस रिकमेंड किए हैं और गूगल ने फाइनली चेंजेस के अकॉर्डिंग वर्क करने का सोच लिया है। उसके अंदर क्या होगा कि अभी आप गूगल जीमेल यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, गूगल का अपना सर्च इंजन यूज करते हो, बेसिकली गूगल यूट्यूब यूज करते हो, तो ये सब आपके प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तभी आप यूट्यूब को हटाने की कोशिश करना आप बिल्कुल नहीं हटा पाओगे, जीमेल को हटाने की कोशिश करना आप हटा ही नहीं पाओगे उसको, अगर आपको फोन चलाना है तो ये ऐप्स आएंगे आएंगे। लेकिन अब CCI ने ये रिकमेंड कर दिया है कि आपको गूगल के पास ये मोनोपोली अब नहीं रहेगी। गूगल अपने किसी भी फोन ब्रांड को, ये फोन कर सकता है किसी भी ब्रांड को कि वो ये ऐप इंस्टॉल करे, क्योंकि गूगल अब तक क्या करता था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप एंड्रॉइड OS यूज करना चाहते हो तो आपको ये ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हालांकि वो हवाला देता था सिक्योरिटी का, ये वो जो भी उनके रीजंस थे, वो अभी भी उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि एक बार को लगा रखी है अर्जी, बट स्टिल
बट स्टिल एक बार को तो ये इंप्लीमेंट होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि आप 10% फाइन तो पे करो, फिर उसके बाद देखेंगे जो होता है, केस तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो गूगल ने डिसाइड कर लिया कि वो इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और अब से मतलब पता नहीं कितने टाइम बाद जाके इंप्लीमेंट होगी, थोड़े टाइम बाद जाके, अब से आपके पास ये चॉइस होगी कि आप गूगल ब्राउजर यूज करना चाहते हो, यूट्यूब यूज करना चाहते हो। अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं और आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर पाओगे अब से। तो दोस्तों ये थी मेजर खबरें इस वीक की। मैं इसके अंदर नॉर्मल जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट खबरें जो आपको पता होनी चाहिए केवल वही न्यूज़ कवर करता हूँ। और भी बहुत सारी न्यूज़ है वैसे तो, बट स्टिल मैं उनको कवर नहीं करता क्योंकि जो मेरे को पता है कि मतलब जिस न्यूज़ से अपन को इम्पैक्ट हो, जिस न्यूज़ के बारे में अपन को अगर इंडिया में रह रहे हैं तो पता होना चाहिए, उस न्यूज़ को ही मैं केवल कवर करता हूँ। तो ऐसे ही न्यूज़ वाले एपिसोड्स के लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एज आई टोल्ड अर्लियर, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय एंड मेकिंग वीडियोज़। So thank you so much for watching this video and please subscribe my channel. Bye.